नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कसनिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मानव तंत्रों का अध्ययन कर रहे थे, आज हम अध्ययन करेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है। मानव में श्वसन के लिए जो जो अंग मिलकर कार्य करते हैं या जो अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं वह तंत्र मानव का श्वसन तंत्र कहलाता है। अर्थात श्वसन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर किस तंत्र का निर्माण करेंगे, मानव के श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे। पहले हम थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं श्वसन की, कि श्वसन क्या है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अपचय क्रिया है। कैसी क्रिया है? श्वसन एक ऑक्सीकरण एवं अपचय अर्थात विखंडनकारी क्रिया है। विखंडनकारी क्रिया है। कैसे? देखिए, हम पाचन तंत्र में हमने पढ़ा है कि भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। तो जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में काम आती है। अब देखिए, ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त होने वाला ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में इस जो ग्लूकोज का होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है और इससे CO2 प्राप्त होती है, साथ में जल प्राप्त होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यही ऊर्जा हमारी जैविक क्रिया में काम आती है। ये एक श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए, ये सारी क्रिया कोशिका के अंदर होती है। कहां होती है? कोशिका के अंदर होती है। ये अपनी श्वसन की जो परिभाषा होती है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण एवं अपचय क्रिया होती है, अर्थात विखंडनकारी क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखिए कि जो श्वसन की क्रिया होती है ये या हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहां होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वो जीवाणु और कवकों में। तो इस आधार पर एक तो होता है ऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में। ठीक है, और दूसरा होता है अनोक्सीश्वसन ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन तो जो मानव पादप और जो बड़े जंतु है, जो बहुकोशिकीय बड़े जंतु है, यूकेरियोटिक जंतु, उन सब में ऑक्सीश्वसन होता है। जबकि अनोक्सीश्वसन वो किसमें होता है? ये होता है जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक जंतु है, जीवाणु और कवक या फिर जो बड़े जो मांसपेशियों वाले जंतु होते हैं जिनमें जो बड़ी मेहनत, या हम भी कभी बड़ी मेहनत का काम करते हैं तो हमारे शरीर में कभी एंटेन आती है तो उस समय भी क्या होता है, कोशिकाओं में अनोक्सीश्वसन होता है और उस समय लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, और जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनमें भी किण्वन की क्रिया जब होती है तो अनोक्सीश्वसन होता है। ठीक है, देखो श्वसन की क्रिया में दो क्रियाएं होती है, श्वसन को अंदर शरीर में ग्रहण करने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए। इन दोनों क्रियाओं को क्या कहते हैं? देखिए, श्वसन की जो क्रिया होती है एक होती है इसमें अंत्यश्वसन
या इसको निःश्वसन भी कहते हैं, निःश्वसन। अर्थात श्वास को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना, ठीक है। और एक होती है उच्छ्वसन, इसमें हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ये 5 सेकेंड के समय में पूर्ण होती है, मतलब दोनों क्रियाएं अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों में कितना समय लगता है हमें, लगभग 5 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक जो जीव होता है वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन तो ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर पादप तो श्वसन की क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं। नहीं, CO2 ग्रहण नहीं करते हैं, वो CO2 कब ग्रहण करते हैं, वो भोजन बनाने की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का ग्रहण करते हैं पादप, ठीक है। श्वसन की क्रिया में जितने भी सजीव है वो सभी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, ठीक है। अब ये श्वसन की क्रिया के कुछ बातें हमने जानी, अब हम देखते हैं श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। श्वसन तंत्र में दोस्तों सबसे मुख्य जो अंग है वो है फेफड़े आपकी। फेफड़े संख्या में 2 होते हैं, एक होता है बायां फेफड़ा, एक होता है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है दायां फेफड़े से, लेकिन थोड़ा पतला होता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, अर्थात ये लंबाई में कम होता है और चौड़ाई इसकी अधिक होती है। बायां फेफड़ा 2 भागों में बंटा होता है, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में बंटा होता है। इस प्रकार से 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। आगे देखिए, अब जो बाकी जो अंग होते हैं वो श्वसन अंग में सहायक अंगों का कार्य करते हैं। जैसे नासा छिद्र होता है, नासा छिद्रों से वायु को ग्रहण किया जाता है और ये नासा छिद्र जिसके अंदर रोम होते हैं जो धूल के कणों को, कुछ अनावश्यक जो वायु में कण घुले होते हैं उनको जाने से शरीर में रोकते हैं। नासा मार्ग में श्लेष्मा जो झिल्ली होती है उससे श्लेष्मा का स्राव होता है, जो क्या होता है श्लेष्मा वायु को नम बनाता है और आगे नासा गुहा में भेजता है। नासा गुहा से जो श्वास है, हवा है, वो ग्रसनी में जाती है। कहां जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी में देखो एक कंठ ग्रसनी होती है, ठीक है। एक ग्रसनी 3 प्रकार की होती है, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और जो अपने जो ग्रसनी है इसमें, इस ग्रसनी में कंठ के स्थान पर जो एक स्वर यंत्र होता है, क्या होता है? स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैरिंग्स। इसमें स्वर यंत्र जो है इसमें स्वर तंतु पाए जाते हैं जो हवा के अंदर जाने और बाहर आने के दौरान कंपन करते हैं। सामान्य जब हवा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के दौरान ये इसके अंदर स्वर तंतु या स्वर रज्जु कहते हैं, जिनको ये कंपन करते हैं और कंपन करने से हमारे गले में आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। पक्षियों में जो ये स्वर यंत्र होता है उसको सिरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरिंग्स। ये किसमें होता है? ये पक्षियों में होता है। और ये किसमें होता है? ये होता है जंतुओं में। क्या होता है? जंतुओं में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्वर यंत्र को पक्षियों में तो क्या कहते हैं? सिरिंग्स। और लैरिंग्स किसमें कहते हैं? जंतुओं में, मानव में, ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्रसनी है ये नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी 3 भागों में बंटी होती है ये ग्रसनी। अब आगे कंठ ग्रसनी से होते हुए श्वास को कहां भेजती है? श्वास नली में भेजती है। कौन से भाग में? श्वास नली में। श्वास नली में उपास्थि के बने छल्ले होते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली आगे इस श्वास को या इस वायु को कहां भेजती है?
श्वसनी में भेजती है। श्वसनी जो होती है वो दो भागों में बंटी होती है, दाएं फेफड़े में दाएं श्वसनी, बाएं फेफड़े में बाएं श्वसनी। अब आगे चलकर ये श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी में बंट जाती है, और तृतीयक श्वसनी आगे श्वसनिका में बंट जाती है, श्वसनिका श्वसन श्वसनिकाओं में बंट जाती है, और श्वसन श्वसनिका वायु कुपिकाओं में या वायु कोश में बंट जाती है। तो आगे ये इस प्रकार जो संरचना बनती है, ये संरचना एक वृक्ष की जालनुमा संरचना बनती है, वृक्ष नुमा जैसे संरचना इस फेफड़े में होती है वैसी संरचनाएं इसी फेफड़े में होती है। ये वायु कोष रक्त केशिकाओं से जुड़े होते हैं, फेफड़ों में रक्त केशिकाओं से जुड़े होते हैं वायु कोष, और इसमें जो गैसें होती है उनका आदान प्रदान होता है। रक्त से जो CO2 होती है उसको तो फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो रक्त में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार ये गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आदान प्रदान वायु कोष या वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, ये अपने श्वसन तंत्र के भाग हो जाते हैं। ठीक है, मुख इसमें सहायक अंग का कार्य करता है, और श्वसन तंत्र मुख का ज्यादा कोई रोल नहीं होता है, केवल सहायक अंग के रूप में जब नासा मार्ग बंद रहता है जुकाम के टाइम तो हम श्वास लेने में मुख का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये तो अपना हो जाता है श्वसन तंत्र। अब कुछ बातें और जान लेते हैं श्वसन के बारे में कि देखो जो सामान्य जो श्वसन या ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में जो अंदर ली गई और बाहर निकाली गई जो वायु होती है उसका जो आयतन अर्थात गैसों का आयतन होता है वो होता है 500 ml। कितना होता है 500 ml? 500 ml कौन सा आयतन है? ये है सामान्य समातन क्रिया का, अर्थात श्वास को अंदर लेने में और छोड़ने में जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो कितना होता है? 500 ml का होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो फेफड़ों का जो अवशेषी आयतन होता है, अवशेषी आयतन, फेफड़ों का अवशेषी आयतन, ये अवशेषी आयतन कौन सा है? ये वो आयतन है जब हम श्वास को छोड़ देते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं तो जो फेफड़ों में वायु भरी रह जाती है जो हम नहीं छोड़ पाते वो टोटल क्या है? वो 1200 ml का होता है। कितना होता है? 1200 ml का होता है। और फेफड़ों की जो कुल जैविक क्षमता होती है, जैविक क्षमता अर्थात हमारे फेफड़ों में जो जैविक क्षमता है वो हवा भरने की, वो 4600 ml, मतलब लगभग 4.6 लीटर होती है। ठीक है, और जो टोटल कैपेसिटी होती है फेफड़ों की, टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल कैपेसिटी हो जाती है 1200 + 4600। ठीक है ना, ये तो है जैविक क्षमता, जैविक क्षमता मतलब ये तो है जो हम श्वास को भर सकते हैं, पूर्ण रूप से श्वास को खींच करके अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। और ये अवशेषी जो है वो है कि हम अगर श्वास को छोड़ें तो छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़ों में ये इतनी बच जाती है। ठीक है, और ये बचने के बाद हम जब वापिस श्वास लेते हैं तो 4600 ml तक की हम श्वास और अंदर ले सकते हैं। तो टोटल कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है आपके 5800 ml। ये जो 5800 ml है अर्थात 5.8 लीटर जो हवा है वो टोटल कैपेसिटी है लंग्स की, अर्थात फेफड़ों की जो टोटल क्षमता है ना, टोटल कुल क्षमता, टोटल क्षमता ये कितनी है फेफड़ों की? 5800 ml की क्षमता होती है। चलो आगे देखते हैं, कुछ बातें और हैं श्वसन से संबंधित। तो इसमें देखिए, अपन फेफड़ों के अंदर जब हवा ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन होता है उसके बारे में जानते हैं कि जो हम वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टोटल कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, इन गैसों का हम शरीर में ग्रहण करने के बाद ये वापस वायुमंडल में हम कितनी छोड़ते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
आप जानते हो वायुमंडल में टोटल जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 21%। और नाइट्रोजन होती है वो कितने परसेंट होती है? वो होती है लगभग 78%। तो देखिए जो वातावरण है, वातावरण, इस वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 21%, है ना, 20.78%। ठीक है, एग्जैक्ट 20.78% मानी जाती है, अर्थात लगभग 21% होती है। और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो होती है 0.03%। कितनी होती है? 0.03%। और जो नाइट्रोजन होती है वो होती है लगभग 78.08%। ये तो होती है अपने एटमॉस्फेयर या वातावरण के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, जो श्वसन में ली गई वायु होती है ना, अंत्य श्वसन या निःश्वसन में, निःश्वसन, इंस्पायरेशन में जो गैसें ग्रहण की जाती है उनकी मात्रा कितनी होती है? जो वातावरण में है वही ग्रहण करते हैं अपन, 20.8%, 0.03%, और यह 78.08% ही ग्रहण करते हैं। जो वायुमंडल में वापिस छोड़ी गई वायु होती है, छोड़ी गई मतलब जो उच्च वसन, ठीक है, उच्च श्वसन, ठीक है, ये जो वायु होती है वो कितनी होती है? देखो जब ऑक्सीजन ये हमारे शरीर में काम आती है ग्लूकोज के विखंडन में, तो पीछे कितनी बचती है? वो बचती है आपके लगभग 16%। कितनी बचती है? 16%। ठीक है, अब जब मतलब 4% ऑक्सीजन काम आ गई तो CO2 भी तो बनती है वापिस। CO2 बनने के बाद हम CO2 कितनी छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं दोस्तों लगभग 4.04%। कितनी? 4.04% वापिस छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं होता, ये एक अक्रिय गैस है जो कोई क्रिया नहीं करती है, इस कारण जितनी ग्रहण करते हैं उतनी इसको वापिस छोड़ देते हैं। तो ये भी 78.08% वापिस हम वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मतलब श्वसन के दौरान नाइट्रोजन गैस की मात्रा वो अपरिवर्तित रहती है। अब हम देखते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं, है ना, इसलिए तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो उसको हम कृत्रिम श्वसन मुख के द्वारा देते हैं, मुख विधि द्वारा, ठीक है ना। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी जो श्वसन होती है मुख से छोड़ी गई उसमें 16% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम होती है, 4.4% ही होती है। तो हम श्वसन के दौरान कितनी छोड़ते हैं ऑक्सीजन? 16% छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, आगे जो श्वसन की क्रिया होती है ये मैंने बताया था कि विसरण की क्रिया द्वारा इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है ना। विसरण की क्रिया द्वारा जो CO2 और O2 होती है उसका जो विनिमय होता है वो आंशिक दाब में अंतर के कारण होता है, फेफड़ों और रक्त में, या फेफड़े और वातावरण में जो आंशिक दाब में अंतर होता है उसके कारण। तो फेफड़ों और वातावरण में यदि आंशिक दाब में अंतर है तो वो अंत्य श्वसन और निःश्वसन होता है, और यदि रक्त और अपने वायु कुपिकाओं के अंदर आंशिक दाब में अंतर है तब ये जो O2 और CO2 होती है उसका रक्त और कुपिकाओं के बीच विसरण की क्रिया के द्वारा आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे देखें तो इस श्वसन की क्रिया में इस O2 को परिवहन करने के लिए एक माध्यम होता है या एक वर्णक जिसका नाम सुना होगा आपने, बताया था मैंने, हीमोग्लोबिन,
क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है? श्वसन वर्णक। ये श्वसन वर्णक क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, जब तक ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता है तब इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इस समय इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का होता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? सॉरी, बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है, बैंगनी रंग। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, जबकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अपन कहते हैं ऑक्सीजन का सॉरी हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, तो ऑक्सीजन से जब हम ऑक्सीजन से इस हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है तो इस कारण हमेशा हमारे शरीर में कैसा रहता है? लाल ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया आपने श्वसन तंत्र की कुछ बातें। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ और बातें करेंगे इसके संबंध में थोड़ी बहुत, और अगला तंत्र शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।